हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैग्नेट ट कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे सो नेहा मैम के पीछे का बैकग्राउंड ये यहाँ पे आपको आपकी मैग्नेट बेन्स की टीचर्स दिख रही हियर और आप सब इनको जानते होंगे yes, ये स्टूडेंट्स ये टीचर्स हैं आपकी फ्रॉम किंडर गार्डन टिल क्लास फाइव सो स्टूडेंट्स वी ऑल आर हियर टू हेल्प यू आउट इन योर स्टडीज अगर आपको आपकी स्टडीज में कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आती है कहीं पे भी आप फंसते हैं, कहीं पे भी आपको कुछ डाउट है तो अपने टीचर्स के वीडियोस देखिए और अपने डाउट क्लियर करिए क्योंकि हम मिलके होंगे कामयाब, राइट स्टूडेंट्स सो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए अपने मैग्नेट्रेन्स के टीचर्स के साथ ओके अंडरस्टर्ब नो स्टूडेंट आज आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपकी फेवरेट थिंग है बताइए आपको गेम्स खेलना पसंद है जल्दी से रेज योर हैंड्स जिस जिसको पसंद है जल्दी से अपने हैंड्स रेज कर दो यस मी टू है ना सो प्लेइंग गेम्स वी ऑल लव टू प्ले गेम्स है ना हमें खेलना तो बहुत पसंद है वो तो पढ़ाई करनी पड़ती है नहीं तो हम हमेशा खेलते रहें है ना स्टूडेंट्स सो यू नो कुछ गेम्स हम घर के अंदर खेलते हैं और कुछ गेम्स हम बाहर खेलते हैं सो स्टूडेंट्स द गेम्स दैट वी प्ले इनसाइड साइड हाउस घर के अंदर जो गेम्स खेले जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं इनडोर गेम्स इन डोर डोर के अंदर इनडोर गेम्स और वो गेम्स जो हम घर के बाहर ग्राउंड में पार्क में या किसी कोर्ट में खेलते हैं हम उन्हें कहते हैं आउटडोर गेम्स आउटडोर डोर के बाहर सो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आउटडोर गेम्स वो गेम्स जो घर के बाहर खेले जाते हैं हम उनको घर के अंदर नहीं खेलते दीज गेम्स वी प्ले आउटसाइड अवर हाउसेज ओके okay, स्टूडेंट्स तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से आउटडोर गेम्स होते हैं ताकि आपको याद रहे ओके स्टूडेंट्स सो लेट अस सी द द द वीडियो एंड लर्न अबाउट नेम्स ऑफ आउटडोर गेम्स ओके सो सी हियर यस दिस इज विच गेम जल्दी बताइए ये स्टिक से खेला जाता है सो दिस इज हॉकी स्टूडेंट दिस इज नोन एज हॉकी ओके हॉकी को ग्राउंड में खेला जाता है और टीम रहती है नॉट ए सिंगल प्लेयर एक एक प्लेयर ने पूरी टीम खेलती है हॉकी ओके स्टूडेंट और हॉकी स्टिक के साथ खेला जाता है एंड यू नो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट हॉकी हॉकी इज आर नेशनल गेम हॉकी क्या है हमारा नेशनल गेम ओके स्टूडेंट सो दिस इज हॉकी नाउ लेट अस सी दी अनदर आउटडोर गेम्स सो दिस इज विच गेम फुटबॉल हैव यू सीन फुटबॉल अग बॉल दिस इज फुटबॉल ओके तो फुटबॉल भी ग्राउंड में खेलते हैं एंड इट इज ऑल्सो द गेम ऑफ अ टीम इसे भी टीम खेलती है ओके सो दिस इज फुटबॉल इसको हम फुट के साथ खेलते हैं इसमें हम किसका यूज करते हैं अपने फुट का अपने पैरों का ओके सो दिस इज फुटबॉल

स्कीइंग इज अ गेम विच इज प्लेड ऑन द स्नो ऐसी जहां पर बहुत स्नो होती है आइस होती है वहां पर इस गेम को प्ले किया जाता है एंड दिस इज नोन एज स्की राइट स्टूडेंट वॉट वी कॉल इट एज स्कीइंग राइट स्टूडेंट तो ये जो स्कीइंग गेम होता है ये ऐसी जगह पर खेला जाता है जहां पर बहुत स्नो होती है बहुत बर्फ होती है राइट स्टूडेंट सो दिस गेम इज अफ कोल्ड एरिया गेम ठंडी जगहों का गेम है ये स्कीइंग ओके नाउ लेट अस सी अनदर आउटडोर गेम बास्केटबॉल आपने देखा है बास्केटबॉल कोर्ट यस yes, बास्केटबॉल कोर्ट होता है वहां पे एक बास्केट लगी होती है तो आपको क्या करना होता है आपको बॉल को बास्केट में थ्रो करना होता है ओके सो दिस इज नोन एज बास्केटबॉल सी दिस इज अ बास्केट एंड द चिल्ड्रन आर प्लेइंग द बास्केट हैव टू थ्रो द बॉल इन द बास्केट राइट स्टूडेंट सो दिस इज नोन एज बास्केटबॉल ओके इसका बास्केटबॉल ग्राउंड होता है कोर्ट बना होता है वहां पे आपको ये गेम खेलना होता है ये भी आप घर में नहीं खेल सकते इसलिए इसको बोलते हैं आउटडोर गेम्स नाउ द अनदर आउटडोर गेम इज जैवलिन थ्रो व्हाट इज जैवलिन थ्रो स्टूडेंट दिस इज जैवलिन थ्रो आपकी एक बड़ी सी रॉड होती है एंड इट्स वेरी हैवी और आपको क्या करना होता है यू हैव टू थ्रो दैट आपको उसे फेंकना होता है कि वो और ये देखते हैं कि वो कितने दूर तक जाता है स्टूडेंट so, इसमें बहुत ताकत की जरूरत होती है सो दिस गेम इज नोन जैवलिन थ्रो दिस इज ऑल्सो अ आउटडोर गेम इसे भी हम घर के बाहर खेलते हैं जेवलिन थ्रो ओके स्टूडेंट नाउ द अनदर आउटडोर गेम इज वॉलीबॉल आपने एक देखा था बास्केट आपने देखा था फुटबॉल बास्केटबॉल एंड दिस इज वॉलीबॉल फुटबॉल में स्टूडेंट्स आपके फुट आपके पैरों का यूज होता है वॉलीबॉल में आपके हाथों का यूज होता है यू थ्रो द बॉल विथ योर हैंड्स और बास्केटबॉल फुटबॉल uh, में आप अपने लेग्स का यूज करते हैं सो दिस इज वॉलीबॉल ओके दिस इज ऑल्सो अ टीम गेम इसे भी टीम खेलती है और ये घर के बाहर खेला जाता है दैट इज वाई इट इज नोन एज आउटडोर गेम्स so this is volleyball now this is golf okay this is golf इसे भी ग्राउंड में खेलते हैं right student so this is golf ओके सो स्टूडेंट देखा आपने ये सारे थे आउटडोर गेम्स ये वो गेम्स हैं जिन्हें हम घर के बाहर खेलते हैं बहुत सारे गेम्स आपको पता होंगे और कुछ गेम्स आपको नहीं पता होंगे सो स्टूडेंट दिस इज योर होमवर्क आप उन गेम्स को गूगल करिए और उनके बारे में पता करिए कि वो कौन से गेम्स हैं, है ना स्टूडेंट सी गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यू नो दैट ना नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय अगर आप नहीं खेलेंगे तो आप ऐसे इनएक्टिव बच्चे बने रहेंगे सो so, गेम प्ले करिए लेकिन प्रॉपर टाइम बनाइए स्टडीज भी करिए और गेम्स भी प्ले करिए इंपॉर्टेंट जितनी आपकी स्टडीज इंपॉर्टेंट है उतनी ही गेम्स इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए क्योंकि गेम्स हमको डिसिप्लिन सिखाते हैं ऑनेस्टी सिखाते हैं राइट स्टूडेंट सो इस वीडियो में आपने देखे आउटडोर गेम्स द गेम्स विच प्ले आउटसाइड आर हाउसेज ओके स्टूडेंट तो वीडियो को अच्छे से देखिए और जो गेम्स आपको नहीं पता उनके बारे में पता करिए राइट सो दिस इज द वीडियो रिगार्डिंग आउटडोर गेम्स तो ये आपको मिल जाएगी मैग्नेट बेन्स की वेबसाइट पे. और क्या मिलेगा यहाँ पे स्टूडेंट आपको किंडर गार्डन से क्लास ट्वेल्व तक अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप अपने टीचर्स की वीडियोस देखिए और अपने डाउट क्लियर करिए और हाँ स्टूडेंट अगर आपको पर्टिकुलर किसी टीचर की वीडियो देखनी है तो वो भी यहां मिल जाएगी ओके okay, है ना बहुत सिंपल सो so स्टूडेंट्स ये सब आपको मिलता है मैग्नेट बेन्स पर यहाँ पर आपको किंडर गार्डन से क्लास ट्वेल्व तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है सो so, वीडियोस देखते रहिए लाइक करते रहिए सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जितना कर सकते हैं है ना स्टूडेंट क्योंकि ये अच्छी बात है सबको पता होनी चाहिए बिकॉज सबको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से इंडोर गेम्स हैं कौन कौन से आउटडोर गेम्स हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे इंडोर गेम्स ओके स्टूडेंट्स सो सी वीडियो लर्न द नेम्स ऑफ द आउटडोर गेम्स टिल देन बाय बाय टेक केयर